याज्ञवल्क स्मृति व्यवहार अध्याय जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके अनुसार जो कुछ प्रश्न तैयार हुए हैं और आप में से ही मेरे लिए तो विद्यार्थी है, शिप्रा ने जो ये मेहनत करके प्रश्न तैयार किए हैं, शिप्रा शुक्ला। शिप्रा जी आप कानपुर से हैं? हाँ, जैसा मुझे अंदाज है, पहले कभी बात हुई थी हमारी, तो ये शिप्रा कानपुर से हैं। मैं अभी अहमदाबाद में बैठा हूँ। विश्वनाथ जी जो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो इस समय ओडिशा में हैं। तो ये देखिए, कहाँ का ईंट, कहाँ का रोड़ा, और इंटरनेट ने कुनवा जोड़ा है। ये बड़ा अच्छा एक आयोजन हुआ है और इसको चूंकि YouTube के माध्यम से हम प्रस्तुत भी करेंगे तो बहुत लोगों तक ये चीज़ पहुँचेगी, तो सबका लाभ हो ऐसा ये कार्य है। तो उससे आधारित ये कुछ प्रश्न हैं जिसको शिल्प्रा ने तैयार किया है और इनको हम देखेंगे। प्रश्न मैं पढ़ूंगा, अगर कुछ गलत है तो शिप्रा देख लें, क्योंकि या तो फिर मैं चश्मा पहन लूं। मैं कोशिश तो करता हूं कि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए तो हम इसको पढ़ पाए। हाँ, याज्ञवल्क स्मृति में कितने अध्याय हैं? याज्ञवल्क स्मृतौ कति अध्यायाः सन्ति? यही पद्धति होती है नेट स्लेट में, वहां संस्कृत में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो स्लेट यानी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनमें जिस स्टेट का टेस्ट होता है उस स्टेट की भाषा में पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में यही प्रश्न होंगे तो गुजराती में पूछे जाएंगे, यूपी बिहार वगैरह में पूछे जाएंगे तो हिंदी में पूछे जाएंगे, लेकिन जब हम नेट की एग्जाम देते हैं तो वहां पर ये प्रश्न संस्कृत में पूछे जाते हैं। तो याज्ञवल्क स्मृति में कितने अध्याय हैं? क्योंकि कल हमने इसकी चर्चा की थी तो इसमें तीन अध्याय शिप्रा जी ने बताए हैं। कितने हैं? बराबर है शिप्रा? तीन अध्याय हैं, ठीक है। याज्ञवल्क कहां के निवासी थे? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, मिथिला, वाराणसी, दक्षिण भारत या महाराष्ट्र। तो इसमें मिथिला इसका जवाब है, क्योंकि मिथिला महाराज जनक का स्थान था और महाराज जनक इनके शिष्य थे, उनके ये गुरु हुआ करते थे, तो मिथिला में इन्होंने निवास किया है इसलिए मिथिला इनका स्थान माना जाएगा। याज्ञवल्क के शिष्य का नाम क्या है? तो यहाँ ऑप्शन है काश्यप, मनु, गौतम और जनक। तो पिछले प्रश्न के संदर्भ में जो चर्चा की है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि यहाँ जवाब क्या होगा, जनक जवाब होगा, क्योंकि वो मिथिला नरेश थे और याज्ञवल्क उनके गुरु हुआ करते थे। याज्ञवल्क की कितनी पत्नियां थीं, ये प्रश्न है। तो हमने याज्ञवल्क के परिचय के समय इसकी बात की थी कि उनकी दो पत्नियां हैं, एक गार्गी नाम मिलता है और एक मैत्रेय। तो ये दो नाम हैं, तो दो पत्नियां हैं। इसका ऑप्शन एक, दो, तीन, चार जो दिया है इसमें से दो वाला जो ऑप्शन है वो सही है। याज्ञवल्क के अनुसार द्वादश प्रकार के पुत्रों में कौन सा परिगणित नहीं है? तो नीचे जो चार नाम दिए हैं इनमें से कोई एक नाम ऐसा है जो पुत्र का है यानी संतति का नाम नहीं है। तो दत्तक, क्रीत, दत्तकहा, क्रीता, सहोडजहा, संसृष्टि। तो हम जानते हैं दत्तकहा पुत्र अस्ति, क्रीता अपि पुत्र अस्ति, सहोडजः अपि पुत्रः अस्ति, संसृष्टि अत्र पुत्रः नास्ति। संसृष्टि तु किमस्ति? संसृष्टि तो क्या है, हमने कहा था जहां मातृसत्ताक कुटुंब होते हैं वहां पे जो एक साथ रहते हैं उसके लिए संसृष्टि शब्द का प्रयोग हुआ था, इसकी चर्चा कल हमने की थी, ठीक है ना। माता पिता के द्वारा उत्सृष्ट पुत्र होता है, तो इसमें कानीन, कृत्रिम, पौनर्भव, अपविद्ध चार ऑप्शन हैं। तो इसमें से कानीन किसको बोलते हैं, हम ये भी थोड़ा देखते जाएं तो और ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि चारों पुत्र हैं इसमें। कृत्रिम, हाँ हाँ, तो कुमारी कन्या से अगर उत्पन्न होता है तो वो कानीन होता है,
और उसके ऊपर उसके माता मह यानी नाना का अधिकार होता है, उस पुत्र पे उसके पिता का अधिकार नहीं होता है, भले किसी के भी अंश से वो उत्पन्न हो। कृत्रिम, अगर कोई ऐसा है जो निष्पुत्र है और उसके यहाँ कोई व्यक्ति रहता है और उसने उसको अपना पुत्र बना लिया तो ये कृत्रिम पुत्र कहा जाता है। और एक ऑप्शन पौनर्भव, स्त्री का पुनर्विवाह हो और उससे, यहाँ पौनर्भव का अर्थ किसी की एंगेजमेंट हुई हो तो भी अगर उसका पति मर जाता है और उसका विवाह होता तो उसको भी पौनर्भव में ही माना गया है। और इसका जवाब है हाँ कुछ भी हो, दोनों ही स्थिति में पौनर्भव है। बहुत बढ़िया, तो अपविद्ध इसका जवाब है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी के तीन नहीं है तो अपविद्ध इसका जवाब है। देखिए जब ये प्रश्न और उत्तर आते हैं ना तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको सही जवाब आता हो। अगर एक सही जवाब आपको नहीं मालूम है, तीन जो उसके गलत जवाब हैं वो अगर आपको मालूम हो जाए ना, यानी उसमें से बाकी के तीन ऑप्शन अगर आपको सही मालूम है तो जो नहीं मालूम हो वो उसका जवाब हो सकता है। ऐसी स्थितियां भी होती हैं, इसमें थोड़ा ध्यान अधिक देना चाहिए। दायादों में परिगणित नहीं होता है पितामह धन, मित्र सकासाद लब्धम धनम, पितृधनम, पितृद्रव्य विनिमयेन लब्धम धनम, ये होना चाहिए। विद्या लब्धम धनम जो है ना, विद्या शब्द ऊपर चला जाएगा खा के साथ में और इसका जवाब बनेगा खा, मित्र सकासाद लब्धम धनम, ये इसका, और विद्या लब्धम धनम, ये दोनों इसके जवाब होंगे। दायादों में परिगणित नहीं होता है। चलिए याज्ञवल्क स्मृति अनुसारम रिक्ते स्थाने कः शब्दः उपयुक्तः, दर्शने प्रत्ययदाने व्यवहारा विधीयते, ऋणादानम विधीयते, प्रतिभाव्यम विधीयते, वाक्यारुष्यम विधीयते। तो जवाब देंगे प्रतिभाव्यम विधीयते, कल इसकी भी चर्चा की थी इसलिए आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवादेषु उपदर्शितौ व्यवहारो वर्तते, अगर विवाद की स्थिति है तो उसमें किस प्रकार का व्यवहार होगा, एक पाद द्विपाद त्रिपाद या चतुष्पाद, तो चतुष्पाद व्यवहार होगा। स्मृत्यो विरोधे कः बलवान, स्मृति का विरोध हो तो बलवान किसको माना जाएगा। यहां चार ऑप्शन हैं, व्यवहार न्याय राजा न्यायाधीशः, तो कल चर्चा हुई थी कि व्यवहार को माना जाएगा, लेकिन शिप्रा का कहना था कि न्याय को माना जाएगा, ऐसी बात है ना शिप्रा। हाँ 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 ठीक है, तो लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि न्याय स्मृति अधीन होता है, हमारे यहां स्मृति ग्रंथ ये संविधान थे और संविधान के आधार पे न्याय किया जाता है, यानी न्याय जो है वो जो स्मृति ग्रंथों पे अधीन है और स्मृति ग्रंथ में कोई विरोध उत्पन्न होता है तो न्याय उसका निर्णायक कैसे बन सकता है, संभव नहीं है। और स्मृति ग्रंथ किसका आधार रखते हैं, तो वो व्यवहार का आधार रखते हैं, इसलिए मैंने ये कहा था कि यहां व्यवहार इसका जवाब होना चाहिए, इतनी चर्चा कल हमने की थी। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो है, हाँ जी व्यवहार से होगा ऐसा दिया है, चलिए चलिए तो ठीक है, मुझे वो श्लोक याद नहीं था, लेकिन यही मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी, मैं ये विवेचन इसीलिए करता हूं कि आपको भी इस चीज का ख्याल आए कि अगर चार ऑप्शन हैं, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते हैं और कुछ गलत हमारे पढ़ने में आता है, तो थोड़ा अगर हम अपना दिमाग लगाएं ना तो वो चीज क्लियर हो जाया करती है, वो चीज क्लियर हो जाती है। देखिए ये जैसे मैंने कहा कि स्मृति जो है ना उसके आधार पे न्याय किया जाता है, तो स्मृति में विरोध है तो न्याय कैसे उस चीज का निर्णय कर सकता है, क्योंकि न्याय तो स्वयं स्मृति पे आधारित है, तो वहां पे, और स्मृति जो है वो व्यवहार पे आधार रखती है, इसलिए मैंने कहा कि व्यवहार इसका जवाब होगा। चलिए आपने बताया कि तीसरे श्लोक में इसको स्पष्ट रूप से कहा गया है, आगे चलते हैं। याज्ञवल्क दिशाम मानुषम प्रमाणम कतिविदम,
तो याज्ञवल्क के अनुसार। हाँ जी हेलो, ऐसा हो गया क्या? आप दोबारा से कट करके जुड़ जाइए तो हो जाएगा, ठीक है? तो याज्ञवल्क्य दिशाम मानुषम प्रमाणम कति विधम। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार हम कहें कि मानुषम प्रमाणम कति विधम, तो कितने प्रकार के प्रमाण हैं, तो इसकी बात की थी चिप्रा ने। क्या है चिप्रा जवाब इसका? त्रिविधम प्रमाणम। तो इसके चार ऑप्शन दिए थे चिप्रा ने, एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम, चतुर्विधम। तो यहां पे त्रिविधम इसका जवाब होगा। त्रिविधम लिखित, हाँ लिखित, भुक्ति और साक्षी, ये तीन मिलकर के इसके प्रमाण बनते। चलिए, स्मृत्यपेत कारिणा सभ्या कति गुणेन दमेन दंड्या। अगर कोई स्मृति के कथन के अनुसार व्यवहार नहीं करता है, स्मृति उपेत्य, उपेत्य का अर्थ होता है उसको छोड़ करके, यानी स्मृतियों में जो कहा गया है उसका अनादर करके, अगर कोई सभासद व्यवहार करता है तो उसके साथ क्या दंड होना चाहिए? तो कति गुणेन, कितना गुना दंड होना चाहिए, ये प्रश्न बनता है। तो पंच गुणेन, चतुर्गुणेन, त्रिगुणेन, द्विगुणेन, द्विगुणेन है। हाँ हाँ तो कल शायद आपने त्रिगुणेन बताया था इसका जवाब, तो द्विगुणेन है, यही मुझे भी याद था कि द्विगुणेन होना चाहिए, क्योंकि त्रिगुणेन जो है ना वो कहीं पे मुझे याद नहीं आता है कि किसी जगह तीन गुने दंड की बात कही गई हो, फिर तो सीधा 10 गुना और इस तरीके से हो जाता है। तो द्विगुणेन ये जवाब सही है इसका। याज्ञवल्क्य दिशा वस्त्रस्य वृद्धि रुक्ता। याज्ञवल्क स्मृति के अनुसार वस्त्र जो है उसकी वृद्धि किस प्रकार से होती है, हमने ये सारी बातें पढ़ी थी। और मैंने एक बार ऋणादान प्रकरण से है, ठीक है, ऋणादान प्रकरण से है। चलिए, क्या है इसका जवाब, क्या है? हाँ, चतुर्गुणा, चतुर्गुणा इसका जवाब। द्विगुणा, त्रिगुणा, चतुर्गुणा, पंचगुणा दिया है, तो चतुर्गुणा इसका जवाब होगा। यानी हाँ, वस्त्र 4 गुना, 8 गुना था, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। तो इसमें मैंने एक बात कही थी उस, हाँ जी, नहीं, धातुएं जो हैं लौह पीतल इत्यादि जो हैं, खाली सुवर्ण में तो कोई वृद्धि नहीं होती है, सुवर्ण में कोई वृद्धि नहीं होती और ह्रास भी नहीं होता है। रजत में 2 गुने की बात या कुछ इस प्रकार से है जहां तक मुझे याद है, लेकिन पीतल वगैरह में तो सब में 8 गुना दिया हुआ था। चलिए ठीक है, यहां जो प्रश्न है कि वस्त्रस्य वृद्धि रुक्ता, वस्त्र की वृद्धि कितनी कही गई है, उसका जवाब है चतुर्गुणा। तो श्रुताध्ययन संपन्ना धर्मज्ञा सत्यवादिनः रागना सभा सदा कार्यो रिपो मित्रे च ये समा। ये बड़ा ही सुंदर जो श्लोक है, इत्यम श्लोकः कस्मिन् ग्रंथे अस्ति, मनुस्मृतौ, याज्ञवल्क्य स्मृतौ, पराशर स्मृतौ, बौद्धायन स्मृतौ। तो ये तो जवाब स्पष्ट है कि जब हम याज्ञवल्क्य स्मृति की बात कर रहे हैं तो ये इसी का होगा। मेरे हिसाब से अगर इस प्रश्न को बनाया जाता तो ज्यादा अच्छा प्रश्न बनता कि इसमें किसकी चर्चा की गई, किसके गुणों की चर्चा की गई है। लेकिन फिर भी वहां पे भी सभासद शब्द जो है आ ही गया है, लेकिन जिनको संस्कृत नहीं समझ में आए उनके लिए थोड़ा कठिन होता। बाकी चलिए, बहुत बढ़िया है,
तो इसका जवाब तो याज्ञवल्क्य स्मृति होगा, अग्निदानांच ये लोका ये चा स्त्री बाल घातिना, बाल घातिनम स्त्री बाल घातिनाम तान सर्वान अवाप्नोति इति याज्ञवल्क्य वचनम येन संबंधा तत किमस्ति अत्र वाक्पारुष्यमस्ति दंडपारुष्यमस्ति मिथ्या साक्ष्यमस्ति सुरापानमस्ति। मिथ्या साक्ष्यम, अगर कोई मिथ्या साक्षी देता है तो उसको कौन सा पाप लगता है, कितना पाप लगता है, इसकी चर्चा यहां पे की गई थी। और उसमें यह कहा गया था कि जो मिथ्या साक्षी देता है उसको घर में आग लगाने का, स्त्री हत्या का और बाल हत्या का जो पाप होता है वो पाप उसको लगता है। और जब आप किसी को साक्षी देने के लिए खड़ा करते हैं तो उसको ये सब अच्छी तरीके से सुना देना चाहिए, जिससे कि बोलने के समय वो गलत साक्षी ना दे, इस बात का उल्लेख किया गया था, ठीक है ना। साक्षी प्रकरण में यह बात हुई थी। चलिए, व्यवहार के पाद होते हैं, व्यवहार के कितने पाद होते हैं, 4, 5, 3, 6। व्यवहारस्य पादाः सन्ति चत्वारः त्रयः पञ्च षट् वा, दीजिए जवाब। व्यवहारस्य त्रयः पादाः, ऊपर हम इस प्रश्न को अलग ढंग से पढ़ चुके हैं। चार पाद रहेंगे यहां, चतुष्पाद रहेगा तो चार रहेंगे हैं, व्यवहार के पाद चार रहेंगे। ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेने सर्वे वास्यु समान सिन्हा याज्ञवल्क स्मृते कस्य प्रकरणस्य श्लोकार्धो अयम्। याज्ञवल्क स्मृति के किस प्रकरण से ये आधा श्लोक लिया गया है, श्लोक फिर से देख लीजिए। ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागे ने सर्वे वास्यु समान सिना, राजधर्म प्रकरण है, गृहस्थ प्रकरण है, दाय विभाग प्रकरण है, ऋणादान प्रकरण है। हाँ ठीक है, दाय भाग का ये मेरे ख्याल से पहला या दूसरा श्लोक होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये कहा था कि जो बड़ा पुत्र है उसको ज्येष्ठ को श्रेष्ठ भाग देना चाहिए, अधिक भाग देना चाहिए या सबको बराबर देना चाहिए, ये बात कही गई थी वहां पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। याज्ञवल्क स्मृति अनुसारम सभासद लक्षणम किम, ऊपर श्लोक आ चुका है। देखिए, मैं जब पढ़ाता हूं तो कई बार विद्यार्थी, ठीक है, मैं पहले जब पढ़ाता था या अभी भी जब पढ़ाता हूं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है ना, 30-40% जवाब आपके क्वेश्चन पेपर में स्वयं में सन्निहित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान से पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़े ना तो 30-40% प्रश्नों के जवाब उसमें स्वयं में सन्निहित होते हैं। मैं इतना जानता हूं कि अगर किसी को अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर पढ़ना आ जाए, मैं हमेशा कि परीक्षा एक कला है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन मैं हमेशा विद्यार्थियों को एग्जाम से पहले ये बात कहता हूं कि आप एग्जाम देने जाते हैं क्वेश्चन पेपर देख करके डरिए नहीं, धड़कने बढ़ाइए मत। करना क्या है कि उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, ये मत सोचिए कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा, टाइम बर्बाद हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन पेपर को आप जितने बार पढ़ लेंगे आप समझ लीजिए उतना ही अच्छे ढंग से आप जवाब लिख पाएंगे। एक बार कभी आपसे ये गड़बड़ नहीं होगी किसका जवाब उसमें चला जाए, कभी आपसे ये गड़बड़ नहीं होगी। और थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ टिक करना है कि पहले नंबर पे मुझे ये क्वेश्चन लिखना है, दूसरे पे ये लिखना, तो आप ऐसा कुछ मार्किंग कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन पेपर पे मार्किंग करना मना होता है,
लेकिन आप इस प्रकार के पेंसिल से निशान लगा सकते हैं, आंसर नहीं लिख सकते हैं लेकिन आप निशान लगा सकते हैं कि एक नंबर पे ये, दो नंबर पे ये, तो आपको बड़ा आसान हो जाता है कार्य। तो पहले ऊपर इसकी चर्चा हो चुकी है इसलिए कह रहा हूं, याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारेण सभासद लक्षणम किम, सभासद का लक्षण क्या है, व्यवहार ज्ञान धनाधिकार संपन्नम श्रुताध्ययन संपन्नम सतिधर्म धर्मज्ञम शरीर बलवत्तरम बलवत्वम। तो श्रुताध्ययन संपन्ने सति धर्मज्ञम, सत्यवादिना वगैरह जो थे, तो ये श्रुताध्ययन संपन्न हो इतना भी बताया गया हो तो ये भी उसका जवाब हो सकता है। आगे प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारेण सभासदः भवन्ति, सभासदः भवन्ति सत्यवादिनः ब्रह्मचारिणः धनवन्तः शिल्पिनः वा। तो भैया सभासद ब्रह्मचारी होना हो क्या फर्क पड़ेगा, सभासद धनवान होना हो क्या फर्क पड़ेगा, सभासद शिल्पी हो ना हो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर सभासद सत्यवादी नहीं होगा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो सत्यवादी ये उसका गुण है, और मैंने ऊपर कहा भी था अभी उसको पढ़ते पढ़ते कि सत्यवादी ना चाह। याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारेण व्यवहारन का पश्यति, व्यवहारान का पश्यति, ये तो मतलब जो व्यवहार होते उनको कौन देखता है। ऑप्शन है न्यायाधीशः, व्यवहारविदः, नृपः, मंत्री वा। तो क्या जवाब रहेगा, व्यवहार को कौन देखता है, राजा देखता है, और राजा अगर असमर्थ है तो वो अपने स्थान पे किसी की नियुक्ति कर सकता है, इसका उल्लेख आया है। और राजा अगर इसके लिए मंत्री की नियुक्ति करता है तो फिर मंत्री इस चीज को देखेगा, ठीक है ना, इस प्रकार का उल्लेख आया था। चलिए अगले पे पहुंचते हैं, दाय विभाग यही है, दाय विभाग प्रकरणम अस्ति, ऐत्रेय ब्राह्मणे मनुस्मृत्यौ याज्ञवल्क्य स्मृत्यौ चाणक्य नीतिर्वा। तो अब तो आप याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ रहे हैं तो ये तो जवाब स्पष्ट है कि याज्ञवल्क्य स्मृति की बात है, तो याज्ञवल्क्य स्मृत्यो इसका जवाब होगा। जनक याज्ञवल्क्य के क्या थे, हाँ बहुत बढ़िया सही जवाब है, जनक याज्ञवल्क्य के क्या थे, गुरु, भ्राता, शिष्य या पिता। तो हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं, क्या जवाब आएगा इसका, जवाब तो मैं शिप्रा से अपेक्षा नहीं रख रहा हूं, हाँ आवाज नहीं आ रही है, चलिए मैं फिर से देख लेता हूं, चलिए अभी आ गए। तो चलिए प्रश्न है, जनक याज्ञवल्क्य के क्या थे, गुरु, भ्राता, शिष्य या पिता। ने कोई और, हाँ इसकी चर्चा तो तीसरी बार आ गई, मिथिला के संदर्भ में हुई थी फिर हुई थी, चलिए शिष्य थे, ठीक है। पुनीता जी अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो इस वजह से, क्योंकि सबको क्लियर सुनाई दे रहा है, यहां से आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या तो आप एयरफोन लगाइए तो आपको सुनाई देगा, अगर वैसे नहीं सुनाई दे रहा है तो संभवतः ऐसा संभव है, ठीक है। चलिए याज्ञवल्क्य के विचारों का आधार कौन सी स्मृति है,
याज्ञवल्क्य स्मृति किस पर आधारित है, ये प्रश्न भी हो सकता है। तो नारद स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति या मनुस्मृति? देखिए यहां शिप्रा के जवाब के साथ हमें जाना पड़ेगा। देखिए मनुस्मृति तो सभी स्मृतियों का आधार है, ये एक जो पद्धति है ना, लेकिन याज्ञवल्क स्मृति का जिस प्रकार से ग्रथन है, ये अगर नारद स्मृति पर आधारित है तो हमें नारद स्मृति इसका जवाब, क्योंकि शिप्रा ने ही इसको तैयार किया है, तो शिप्रा ने इसका जवाब दिया है कि नारद स्मृति, तो हम इसी जवाब के साथ जाएंगे, ठीक है ना। वैसे मैं भी यही समझ रहा था। हाँ जी, हाँ मैं भी वही कह रहा हूं कि इसका जवाब 90% लोग मनुस्मृति ही लिखेंगे, लेकिन जिसने प्रश्न तैयार किया है, भाई कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं ना जो उसके जवाब सिर्फ निष्णात लोग ही दे सकते हैं, तो इसका जवाब नारद स्मृति है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अधोक्तेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनुतम, चलिए विचिनुत होना चाहिए। हाँ चलिए, आपने तो विचिनुत ही लिखा, मैं ही गलत पढ़ गया था, समीचीनम विचिनुत। लेख्यम दिव्यम तुलाविधिम साक्षिणः त्रेवरः पुत्रिकासुतः औरस समः साक्षिमत, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो लेख्यम के साथ क्या जाएगा? चलिए लेख्यम के साथ साक्षी मत गया, और तुला विधि के साथ क्या जाएगा? हाँ, क्योंकि ये शपथ की बात थी और उसमें ये कहा गया था कि तुला परीक्षा, अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा और विष परीक्षा हैं, ये चार परीक्षाओं की बात थी या चार शपथ की बात थी, तो उसमें से तुला विधि जो है ये तो साक्षी दिव्य के रूप में आता है। त्रयवरा श्रेष्ठा त्रिसाक्षिणा, तो ये साक्षिणा के साथ जाएगा। त्रया वरा यानी तीन श्रेष्ठ माने गए हैं क्या, तो साक्षिणा। तो अब एक ही बता बचा, औरस समा पुत्रिका सुता। हमने जब गणना की थी तो हमने ये कहा था कि ये तो 11 ही हो रहे, 12 हो ही नहीं रहे हैं। हाँ नहीं, हमने भी गणना की थी ना, समान ही होगा लेकिन। हाँ चलिए ठीक है, तो ये औरस के समान है, औरस पुत्र तो नहीं है क्योंकि पिता की अपनी संतान नहीं है, इसलिए औरस पुत्र नहीं, लेकिन पुत्रिका सुता औरस समान, चलिए ये हो गया। तो आपने इनको बना के तैयार किया है, उसका कोष्टक तैयार किया है कि अब चलिए अगर इसमें से एक भी आपको सच मालूम पड़ जाए कि घा में, अच्छा आपने एक तरफ काखा लिखा और एक तरफ नंबरिंग किया है, तो इसको कैसे मिलान करेंगे? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, का के साथ में दो नंबर है और खा के साथ में, अच्छा ठीक है, इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है आ गया समझ में आ गया। तो ये भी क्योंकि अब देखिए हमने तो ऐसी परीक्षाएं बहुत पहले कभी दी थी, लगभग उस बात को 25 से 30 साल हो गए हैं, 25 साल तो 28 साल तो हो गए हैं, तो हाँ और उसमें क्या है कि समय भी जाता है, पद्धति एक हो तो बड़ा सरल होता है, लेकिन अलग अलग पद्धतियां हैं ना। मान लीजिए आपने काखा गाघा ऊपर लिखा, अब का के साथ में का है लेख्यम और लेख्यम के साथ चार नंबर जो जा रहा है, तो दूसरे नंबर पे तो नहीं, अच्छा ठीक है,
हाँ का का जवाब चार नंबर का चार आएगा दूसरे नंबर पे, और फिर तुला विधि जो है खा का जवाब एक नंबर दिव्यम आ गया, ठीक है। इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो टी, ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसमें खा ऑप्शन जो है वो बराबर है दूसरे नंबर का ऑप्शन है, तो उसको टिक करना रहेगा है। दंडस्य कति स्थानानि, दंडस्य कति स्थानानि, पंच त्रीणि अष्टौ दश वा, चार ऑप्शन है पांच तीन आठ या दस, दंडस्य कति स्थानानि, दंड के कितने स्थान है, चलिए हाँ बस आज उसी का नंबर था, बाकी तो अगर ये चर्चा नहीं कर रहे होते तो चलिए कोई बात नहीं। स्त्री धनम कतिविधम मनुना प्रतिपादितम, चतुर्विधम पंचविधम षड्विधम त्रिविधम, ये तो हम पढ़ चुके हैं स्त्री धन प्रकरण, तो षड्विधम बिल्कुल सही जवाब है। किम धनम अविभाज्यम, पितृधनम मातृधनम विद्याधनम मातामहधनम, कौन सा धन विभाजित नहीं, कौन सा धन अविभाज्य है जिसको बांटा नहीं जा सकता है, तो क्या जवाब रहेगा, विद्याधनम जवाब रहेगा, नहीं भाई नहीं, विद्याधन को नहीं बांटा जा सकता है। मातृधन जो है उसका विधान यह था कि अगर पुत्री है तो मातृधन पुत्री को मिलेगा, लेकिन अगर पुत्री नहीं है तो वो मातृधन भी बटता है, और धन कोई सा भी होगा वो तो बटेगा ही बटेगा, क्योंकि उस चीज को कोई फेंक नहीं देगा। अगर किसी का मकान है और कोई नहीं रहेगा तो पड़ोसी कब्जा कर लेगा है? तो कोई ना कोई तो लेगा, लेकिन विद्या ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर कोई कब्जा कर सके या कोई उसको बंटवा सके, तो विद्याधनम इसका जवाब है। और ये तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी न चौरहार्यम न च भ्रा, तो यहां तो विभाजन की बात है, इसलिए मैंने कहा न भ्रातृभाज्यम, भाई जिसको बंटवा नहीं सकते। चलिए एक और प्रश्न है इस पे, हाँ जी हाँ जी, मुझे भी एकदम से थोड़ा सा, चलिए मैं उसको सुनाता हूं, लेकिन मुझे एकदम से श्लोक याद नहीं है, न कहां से शुरू होता है, किसी को याद है, न चौर हार्यम न च राज हार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। विश्वनाथ जी आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, और चलिए चलिए अच्छी बात है। देखिए जो लोग आप में से जो भी इसको सुन रहे हैं, छंद को सबको गाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं जब भी अपने वर्ग में पढ़ाता हूं तो हमारे आसपास के दो वर्ग जो हैं वो भले डिस्टर्ब हो जाएं, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूं, लेकिन श्लोक को गा के बोलता हूं। ऐसे अगर वेद पढ़ाने का नंबर आता है ना, तो मैं मंत्र का जहां तक मुझे आता है मैं कोशिश करता हूं, मुझे वो स्वराघात वगैरह तो उसके नहीं मालूम पड़ते हैं क्योंकि मैंने कभी इस प्रकार की शिक्षा नहीं ली है, गुरुकुल में पढ़ा जरूर हूं, लेकिन जिसको हम उदात अनुदात स्वरित कहते हैं, उसके जो हाथ चलते हैं उदात अनुदात तो स्वरित के लिए, उनका प्रयोग तो नहीं करता हूं, लेकिन मंत्रों को मैं बाकायदा मंत्र के रूप में बोल करके फिर पढ़ाता हूं। तो मंत्रों को भी गाना चाहिए, और जब भी आप कोई श्लोक पढ़ाते हैं, जब भी आप कोई छंद पढ़ाते हैं, मान लीजिए कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, आप में से कोई इंटरव्यू देने जाता है, अगर आप अच्छी तरीके से एक श्लोक गा के सुना देते हैं ना, समझ लीजिए वहां बैठे हुए सारे लोग स्तब्ध हो जाएंगे
क्योंकि ये कोई नहीं करता है। कोई किसी से कहता है कि श्लोक सुनाइए, तो श्लोक नहीं सुनाता है, वो गद्य सुनाता है, क्योंकि लोगों को ना तो उसकी ताल मालूम है, ना उसका लय मालूम है, कहां यति है, कहां क्या उसकी गति है, क्या है, कुछ मालूम ही नहीं रहता है। तो कोशिश कीजिए आप सब लोगों को, जैसे मैं इंटरव्यू लेने बैठा हूं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक श्लोक सुनाइए, तो आप उस समय डिसाइड मत कीजिए कि आप कौन सा श्लोक सुनाएंगे। आपको आज मालूम हो कि अगर आपसे कोई कहेगा कि एक श्लोक सुनाइए, तो आप कौन सा श्लोक सुनाएंगे, और जो श्लोक सुनाएंगे आप, वो आपको गाना भी आना चाहिए, और सिर्फ गाना नहीं आना चाहिए, उस श्लोक का पदच्छेद, उस श्लोक का अन्वय, उस श्लोक का अर्थ, उस श्लोक की व्याख्या, उस श्लोक का इतिहास, उस श्लोक की मतलब कुछ भी उसमें से पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले। मैंने एक अपने वीडियो में कहा था कि इंटरव्यू देना एक कला है, और उसमें मैंने ये कहा था कि मान लीजिए एक बार उसने ये कह दिया कि आप एक श्लोक सुनाइए, फिर आप ये समझ लीजिए कि अब ड्राइवर सीट पे आप आ गए हैं, क्योंकि आप श्लोक को इस ढंग से और इस तरीके से सुनाइए कि उससे रहा ना जाए, और उसी में से वो प्रश्न पूछे। अगर आपने बहुत अच्छा गाया तो जरूर वो सवाल पूछेगा, इसमें कौन सा छंद है, ये सवाल बनता है। अब आपने कह दिया कि ये छंद है, तो अगर थोड़ा सा भी छंद का जानकार होगा तो पूछेगा कि इस छंद का मतलब, इसमें यगण मगण नगण जिसको बंधारण बोलते हैं, इस छंद का बंधारण क्या होगा। और छंद का जानकार नहीं होगा, अगर किसी अन्य से होगा तो उस तरीके का कोई प्रश्न पूछेगा। तो जब हमसे, और ये एक कॉमन प्रश्न है, लगभग हर संस्कृत के विद्यार्थी से इंटरव्यू में एक श्लोक जरूर सुना जाता है। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं जिनकी तैयारी आपको इस तरह से करनी चाहिए, और विद्यार्थी नहीं करते हैं। विद्यार्थी ज्यादातर क्या करते हैं कि ठीक है, हाँ एक श्लोक तैयार कर लिया, लेकिन उस श्लोक को, उसका छंद, अगर उसमें मंदाक्रांता है तो मंदाक्रांता का लक्षण आपको मालूम होना चाहिए। लक्षण में, जैसे हम अगर शिखरणी के लक्षण की बात करें, तो रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी। अब हमें मालूम होना चाहिए क्या कह रहे, यमन यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु, अगर ये है तो ये शिखरणी छंद होगा। तो यमन सबलागा शिखरणी, तो इस तरीके से हमें उसका लक्षण भी याद होना चाहिए। अब यगण में क्या आता है, लघु गुरु गुरु होता है, मगण में क्या आता, गुरु 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 होता है, नगण में क्या आता, लघु 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 होता है। ये सारी चीजें जब हमें मालूम हो ना, फिर इंटरव्यू में कोई हमें नहीं रोक सकता है, और फिर इंटरव्यू वो हमसे नहीं लेगा, हम उससे कहेंगे कि आप हमसे ये प्रश्न पूछो, वही प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। हम उसके मुंह में प्रश्न डाल देते हैं जब, और वही प्रश्न उसको पूछना पड़ता है। ये एक कला है। कुछ लोगों ने मेरे इस वीडियो के ऊपर टीका भी की कि ऐसा कैसे संभव है। मैं कह रहा हूं कि जब आप में वाक चातुर्य अगर आ जाता है ना, तो आप सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं। मैंने मेरे इंटरव्यू की बात की थी कि मुझसे कहा, तो मैंने पहला श्लोक मेघदूतम का सुनाया, कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता शापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भरतो। और जब मैंने उसको पूरा पढ़ा तो मैंने बड़ा भार दिया, यक्षस चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेसु स्निग्ध छाया तरुसु वसतिम रामगिरिया श्रमेशु। मैंने चक्रे पे भार दिया, और अगला प्रश्न था ये चक्रे कहां की क्रिया है मतलब ये किस विभक्ति का रूप है। तो ये आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमको थोड़ी कोशिशें करनी चाहिए, और वो कोशिशें अगर हम करते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है। हर बार ऐसा नहीं भी होता है, कई बार क्या होता है, मैं एक इंटरव्यू का मेरा अनुभव आपको बताऊं कि मैं वहां पहुंचा जा करके, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका मुख्य विषय क्या है, तो मैंने कहा कि मेरा मुख्य विषय अलंकार शास्त्र है, तो उन्होंने वेदांत के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए मुझसे। मैं मुझसे पूछा कि आपका विषय क्या है, मैंने कहा अलंकार शास्त्र मेरा विषय है, तो उन्होंने वेदांत के प्रश्न पूछने शुरू किए। कारण क्या था
कि वहां पे मुझे नहीं लेना था, ये निश्चय किया हुआ था कि इस जगह पे इस व्यक्ति को नहीं लेना है, किसी और को लेना हो तो जब हमसे, तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आपका विषय वेदांत है तो आप अपने विषय से संबंधित प्रश्न पूछिए ना, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, और मैंने वेदांत के भी जवाब दिए। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, हमेशा आप ही ड्राइविंग सीट पे बैठे रहेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांशतः जहां बिल्कुल न्यायोचित रूप से इंटरव्यू लिया जा रहा होगा वहां आपकी ये जो टेक्निक है वो अप्लाई करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा, इतना तो मैं कह सकता हूं। चलिए, बहुत बड़ी चर्चा हुई। अबंध्यम है थोड़ा सा, अबंध्यम यश्च बध्नाति, अबध्यम होना चाहिए, हाँ ठीक है, अबध्यम यश्च बध्नाति बद्धम यश्च प्रमुंचति अप्राप्ति व्यवहारम च सदाप्यो दमम उत्तमम, यानी उसको उत्तम दंड दिया जाएगा, उत्तम साहस, मध्यम साहस और प्रथम साहस, ऐसे तीन प्रकार के दंड का विधान है। तो चलिए, कस्मिन प्रकरणे दृश्यते, ओके ओके ओके, मैंने आधे ही पढ़ा और उसके बाद याज्ञवल्क स्मृतौ अयम श्लोका कस्मिन प्रकरणे दृश्यते, यह श्लोक किस प्रकरण में पाया जाता है? तो निर्णोज कादि दंड प्रकरणे, साहस प्रकरणे, वेतन दान प्रकरणे, स्तेय प्रकरणे, निर्णोज कादि दंड प्रकरणे। चलिए, तो हमने तो उसको नहीं पढ़ा है, अगर आगे आप लोग मौका देंगे तो पढ़ेंगे फिर, और नहीं देंगे तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रुतार्थम श्रुतार्थस्योत्तरम कुत्र लेख्यम, श्रुतार्थस्योत्तरम कुत्र लेख्यम, नृप सन्निधौ पूर्वा वेदक सन्निधौ सभासद सन्निधौ ब्राह्मण सन्निधौ। जवाब दीजिए, सही जवाब है पूर्वा वेदक सन्निधौ, इसका जवाब है, यह हम पढ़ चुके हैं, हम ध्यान भले न दें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? ये हम नहीं पढ़े हैं, विज्ञानेश्वर, हेमाद्री, राजशेखर या जीमूत वाहन। अब मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे, नहीं बिल्कुल बनता है, और इस रूप में भी बनेगा कि याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका किसने लिखी है, मिताक्षरी टीका के लेखक कौन है, इस रूप में भी पूछा जा सकता है। तो विज्ञानेश्वर इसका जवाब है, और उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पे ही जब टीका लिखी है तो स्वाभाविक है कि ये प्रश्न बिल्कुल बनता है। याज्ञवल्क्य कति भार्याः सन्ति, द्वि पंच चतुर त्रिवा, तो वो तो जवाब हम पहले देख चुके हैं, द्विभार्याः सन्ति। अभियोगे साक्ष्ये च दोषत्वेन न गण्यते, चलिए ये बड़ा, अभियोगे साक्ष्ये च दोषत्वेन न गण्यते, धन विकृति ही, कर्म विकृति ही, मनोविकृति ही, वाग विकृति ही। अभियोग और साक्ष्य में इसको दोष नहीं माना जाएगा, मनोविकृति जवाब नहीं होगा। चलिए ठीक है, चर्चा के लिए प्रश्न को दूसरे ढंग से भी तैयार करना चाहिए, तो चर्चा के लिए अगर कहा जाए तो दूसरों को बोलने का थोड़ा सा मन तो होता है। चलिए, धन विकृति इसका जवाब है, साक्षी गुणान्यतमोह नास्ति, साक्षी गुणान्यतमोह नास्ति, प्रश्न है तपस्विता, सत्यवादिता, कूट साक्षिता, धनान्विता, इनमें से साक्षी में कौन सा गुण ना हो तो चल जाएगा। हाँ? उसमें
ना हो तो वो साक्षी, क्योंकि हमने कहा था कि धनवान है तो उसको लालच नहीं होगा, लेकिन वहां पे हमने इस संदर्भ में बहुत चर्चा की थी। यहां धन का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है, यहां धन का अर्थ हमारे यहां बहुत प्रकार के धन है, कूट साक्षी वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक बात ऐसी है कि जो उसके अंदर ना हो तो योग्य है, अगर ये उसमें है तो वो साक्षी के रूप में योग्य नहीं है। तो इसका जवाब है कूट साक्षिता। देखिए तपस्वी की तो दो बार आया था, एक जगह तपस्वी लिखा था और एक जगह भी कुछ ऐसा ही तपो तप से संबंधित ही नाम था। तो मैंने कहा था कि दोनों में अंतर है, एक जगह साक्षी के गुणों में ये कहा गया था कि तपस्वी होना चाहिए और एक जगह ये कहा गया था कि उसको आप साक्षी में नहीं ले सकते हैं। तो ये तपस्या पे भी दो बार बात हुई थी हमारी। याज्ञवल्क्य की स्मृति अनुसारम रिक्त स्थानम पूरयत, स्मृतियों विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रातु बलवद इति स्थिति। चलिए अब देखिए श्लोक तो क्या कह रहा है, स्मृति विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः, जो ऊपर एक प्रश्न आया था ना कि स्मृति का विरोध हो तो किसको हम श्रेष्ठ बलवान मानेंगे, तो यहां कह रहे हैं न्यायस्तु, तो यहां व्यवहार जवाब नहीं है, यहां जवाब आ रहा है न्यायस्तु। तो किस प्रकार से ये जवाब सिद्ध हुआ, तब तो देखिए कहा गया था कि व्यवहार है जवाब वहां, लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि व्यवहारतः न्यायस्तु बलवान, व्यवहार अनुसार न्याय बलवान है। अब यहां पे स्थिति जो है वो किस प्रकार से आई आप समझिए इसको, मैंने जो चर्चा ऊपर की थी यहां बिल्कुल उससे उल्टी बात आ रही है। यहां जो बात शिल्पा ने कही थी, शिप्रा ने कही थी कि न्याय इसका जवाब है और ये जवाब यहां पे सिद्ध हो रहा है, और इसको जब पढ़ाया था तब मैंने इसकी बात की थी, अब मुझे याद आ रहा है। मैंने ये कहा था कि मान लीजिए कि एक राज्य में याज्ञवल्क्य की स्मृति जनक के राज्य में चलती है, अब कोई दूसरा वकील आता है वो ये कहता है कि मनुस्मृति में ये बात कही गई है, तो मैंने कहा था कि उस जगह पे उस राज्य में जो चलता है, मैंने भारत और पाकिस्तान का भी उदाहरण दिया था इस संदर्भ में, मैं एक राज्य और दूसरे राज्य की भी बात करता हूं कर सकता हूं इस संदर्भ में, कि जो नियम एक राज्य में होते हैं वो नियम दूसरे राज्य में नहीं होते हैं कई बार। तो जिस राज्य में जो नियम लागू पड़ते हैं वहां की न्यायिक प्रक्रिया, वहां की न्यायपालिका जो तय करती वो फाइनल होता है। तो भैया ऊपर जो हमने प्रश्न का जवाब देखा था व्यवहार, वो भी यहां बदल जाता है। इस श्लोक के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि हम कहां थे, हां कि न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः, बात व्यवहार की ही आई है लेकिन बलवान यहां न्याय को माना गया है। तो शिप्रा ने जो ऊपर जवाब दिया था वो जवाब भी वही सही था, वहां व्यवहार जवाब नहीं हो सकता है इस पंक्ति के अनुसार। चलिए तो धर्मशास्त्र तो आ गया, इसका जवाब तो मिल गया आपको। धर्मशास्त्र राजा देश नृपश्चेष्टा नृपस्येच्छा और नीति शास्त्र, तो नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र तो एक ही हो गया, धर्मशास्त्र इसका जवाब हो गया। चलिए याज्ञवल्क्यानुसारेण संबंधे ऋणे माती मासी मासी वृद्धिर्भवती, ठीक है, याज्ञवल्क्यानुसारेण संबंधे ऋणे मासी मासी वृद्धिर्भवती, पंचादश भागः अशीति भागः त्रिंशद भागः विंशो भागः। मासे मासे वृद्धिर्भवति, देखिए अशीति भाग ऋण कहां पे दिया जाएगा, ऋणादान प्रकरण याद है,
अगर, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ हाँ वो तो है, लेकिन इसमें बात ये थी 80 थी, यानी 80% ऋण जो दिया जाता है, कोई वस्तु आप रखते तब दिया जाता है, और उसके नियम कुछ इस प्रकार से थे, उसके नियम कुछ इस प्रकार से थे कि उसके ऊपर जो वस्तु रखी जाएगी उसके अनुसार उसका ब्याज नहीं, वो तो सामान्य ब्याज की बात है। हाँ 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 नहीं, मैं ये कह रहा था कि अस्सीवां भाग जो है ना वो आपको ऋण के रूप में मिलता है अगर कोई वस्तु आप रखते हैं, लेकिन जब वस्तु बंधक रखी जाती है तो उसका ब्याज नहीं लिया जाएगा, इस बात का भी उल्लेख था वहां पे। अगर आप ध्यान दें ऋणादान प्रकरण में ये कहा गया था कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए किसी ने अपनी जमीन गिरवे रख के पैसा ले लिया है, तो क्या होता है कि उस जमीन का जो पैदावार है वो व्यक्ति लेता है जिसके पास वो गिरवे रखी हुई है, तो उसको ब्याज नहीं देना होता है। किसी ने अपनी गाय गिरवे रख दी तो उसका दूध वही खाएगा, तो उसको उसका ब्याज नहीं देना होता है। सोना किसी ने गिरवी रखा तो उसका जो भाव बढ़ेगा उसका लाभ उसको मिलता है। कुछ इस प्रकार की बातें हुई थी, आप याद कीजिएगा। इसका जवाब शिप्रा जी क्या दे रही हैं, असीति भागा। चलिए इसका जवाब असीति भागा है। आत्रेयी इस शब्द का क्या अर्थ है, पतिता, व्यभिचारिणी, विवाहिता, रजस्वला। देखिए ये तो शब्द है और शब्द के अनुसार लेकिन इन्हीं में से कोई जवाब इसका यही ऑप्शन दिए जाते हैं। ये सवाल यहां आया कैसे, आत्रेयी? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये प्रश्न यहां आया कैसे। अच्छा चलिए इसका अर्थ रजस्वला दे रहे हैं। मुझे भी इस संदर्भ में कुछ ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा हो। चलिए तो मैं इस पे कोई चर्चा नहीं कर सकता हूं क्योंकि इस संदर्भ में मुझे ना तो कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है कि ये धातु है और इस धातु से ये शब्द बन रहा है इसकी वजह से इसका अर्थ रजस्वला हो सकता है। लेकिन अब अगर वहां पे ये अर्थ दिया हुआ है तो आप इसको इस तरीके से गिन के चलिए, ठीक है। जो प्रश्न और जो जवाब इसका मिलता है उसको आप उस प्रकार से मान के चलिए, क्योंकि इस पे मेरी कोई टीका नहीं है ना मेरा इस पे कोई ज्ञान है, तो मैं उस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। बानप्रस्थ यति ब्रह्मचारिणाम रिक्य भागिना क्रमेण आचार्य सत शिष्य धर्म भ्रात्रे करतार्थिनः इति याज्ञवल्क्य स्मृतो कस्मिन् प्रकरणे लिखितम्। क्या दिया है यहां पे, कस्मिन् प्रकरणे वर्णितम्। तो बताइए ये कहां पे है, स्वामी पाल विवाद प्रकरण, सीमा विवाद प्रकरण, दाय विभाग प्रकरण या दत्ता प्रदान प्रकरण? ये सब हम पढ़ चुके हैं, बताइए। सरल है, इसका जवाब दीजिए। आश्र नहीं, दाय विभाग प्रकरण में आएगा, क्योंकि जो आश्रमीय संपत्ति है, गुरुओं की संपत्ति है, वो किसको मिलेगी, इसके संदर्भ की चर्चा वहां पे हुई थी। तो दाय विभाग में ही था, क्योंकि संपत्ति तो मैंने कहा ना कि अगर
बंजर जमीन पड़ी हो तो उस पर भी लोग कब्जा कर लिया करते हैं, वो तो बिना बटे रह ही नहीं सकती, कोई आश्रम होगा तो वो भी बांटा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, याज्ञवल्क स्मृते गृहीत वेतना कर्म त्यजन, गृहीत वेदना कर्म त्यजन चतुर गुण मावहेत, त्रिगुण मावहेत, पंचगुण मावहेत, द्विगुण मावहेत। ये तो अभी हमने पढ़ा है ना, वेतना दान प्रकरण, द्विगुण मावहेत, हाँ दुगुणा है, द्विगुण मावहेत इसका जवाब है। ब्राह्मण स्वर्ण हारितु रागने मुशल अर्पयेत इत्यत्र मिताक्षरा मते स्वर्ण शब्दस्य को अर्था। चलिए अच्छा प्रश्न है कि ब्राह्मणा स्वर्ण हारितु रागने मुशल अर्पयेत, मुशलम अर्पयेत, तो अत्र स्वर्ण शब्द कस्य वाचकः अस्ति मिताक्षरी टीका अनुसारेण, जातिवाचकः अस्ति, परिमाणवाचकः अस्ति, धात्वंतरवाचकः अस्ति, जाति परिमाण भयवाचकः अस्ति। ओहो ये तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, जवाब दीजिए शिप्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मण स्वर्ण हारितु, इसका अर्थ क्या किया फिर उन्होंने? नहीं, चलिए 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 चलिए, पछि फिर राज्ञे मुशल अर्प मुशलम अर्पयेत का क्या अर्थ लेंगे आप? राज्ञे मुशलम अर्पयेत, हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ब्राह्मण अपने कर्म का परित्याग कर दे, अगर वो अपनी जाति वाचक उसका परित्याग कर दे, तो फिर वो सामान्य रूप से जो दंड का अधिकारी है वही दंड का अधिकारी वो भी हो जाएगा, ये इसका अर्थ हो सकता है। यानी जाति ब्राह्मण की जो है वो जो काम करने के लिए विहित किया गया, अगर वो कार्य वो करता है तब तो ठीक है, उसको आप ब्राह्मण मानिए, लेकिन हम खाली सरनेम से तिवारी हों और हम कहें कि हम ब्राह्मण हैं तो फिर तो समस्या वाली बात है ना भैया, तो उसकी जगह पे तो नहीं चलने वाली बात है। चलिए तो जातिवाचक किसका अर्थ किया गया है? अग्निदित्य कति मंडलानि भवन्ति, अग्निदित्य कति मंडलानि भवन्ति, चत्वारि पंच नव एकादश। नव मंडलानि सन्ति अग्नि अभावे ज्ञातृ चिन्हानाम सीम्नः प्रवर्तितः कः भवति, सीमा विवाद प्रकरण में यह आया था कि अगर स्पष्ट चिन्ह विद्यमान न हो तो सीम्नः प्रवर्तितः कः भवति, गृहस्थः, राजः, गोपालकः, वृद्धः। शिप्रा, राजा भवति, राजा भवति मतलब राजा जो निर्धारित कर देगा फिर वो सीमा हो जाएगी। ये तो गोपाल का, वृद्धा और ये सब तो जो है ना, ये तो उसके माध्यम है कि इन सब से पूछा जा सकता है, वो निर्धारण नहीं कर सकते, वो साक्षी दे सकते हैं, लेकिन लेकिन सीमा का निर्धारक प्रवर्तिता जो उसका निर्णय दे सके ऐसा राजा रहेगा। अभियोगस्याप हुए कियत धनम राग्ने दद्यात, द्विगुणम त्रिगुणम चतुर्गुणम
अभियोग समम, ये प्रकरण हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये प्रकरण पढ़ाओ ना पढ़ाओ, लेकिन बहुत सारे प्रकरण में दंड का विधान कि राजा को कितना दंड मिलेगा, इसकी चर्चा बहुत बार आई और वो हर जगह पे लगभग जहां पे भी जाता है वहां पे उसी प्रकार का दंड होता है। तो हमें इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि ओवरऑल जब हम पढ़ते हैं ना तो राजा को किस प्रकार से दंड मिलता है। जैसे कर की बात आती तो ज्यादातर स्मृतियां कहती हैं कि षष्ठांश कर लिया जाएगा, तो राजा कर कितना लेगा, षष्ठांश लेगा, इस प्रकार की एक निश्चित नियति है, मतलब श्रेष्ठ माना गया है इसको। तो इसी प्रकार से किसी चीज पे जो दंड लिया जाता है वो किस प्रकार से लिया जाता है, इसको भी अगर आप ध्यान देंगे ना तो इन प्रश्नों के जवाब तैयार करने में आपको बड़ी सरलता रहेगी, क्योंकि ये कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए सिप्रा जी जवाब देंगी, क्या जवाब है? हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो है उसके समान दंड ले लिया जाता है, और या फिर ये होता है कि राजा जो है वो एक, जैसे कहा था कि कोई चीज उसके पास जाएगी तो क्या षट्षष्ठीपण या नवषष्ठीपण ऐसा कुछ दंड किया गया था, तो ऐसे उल्लेख बहुत कम पाए जाते हैं जहां एक आंकड़ा दिया जाता है कि सार एक जगह पे था 13.5 पण, अर्ध त्रयोदश पण, लेकिन वो एक जगह नहीं, वो 4 से 5 जगह अर्ध त्रयोदश पण का जो उल्लेख है ना वो 4 से 5 जगह। मैंने ये भी कहा था कि ये आंकड़ा इन्होंने किस प्रकार से निकाला ये मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, ये भी चर्चा की थी हमने। चलिए, यहां अभियोग समम और इस प्रकार का दंड कई जगह पे कहा गया है कि अगर व्यक्ति कुछ करता है तो उतना दंड उससे वसूल करके वो राजकोष में जमा करना चाहिए, इसका उल्लेख कई जगह पे, समान दंड का उल्लेख कई जगह पे, ये मेरा कहना है। चलिए आगे चलते हैं। विद्वान निधिम लब्ध्वा ततः कियतम गृहणीयात, कियंतम गृहणीयात, विद्वान निधिम लब्ध्वा ततः कियंतम गृहणीयात, जवाब दीजिए। विद्वान ब्राह्मण शब्द कहा गया होता तो और स्पष्ट हो जाता, चलिए विद्वान शब्द रखा है। हां, क्या जवाब दिया, किसी ने दे दिया जवाब, मैं बीच में बोल गया। हाँ जी, ब्राह्मण को अगर कोई निधि मिलती है, विद्वान निधिम लब्ध्वा ततः कियंतम गृहणीयात। शिप्रा, नहीं, ये प्रश्न क्या बन रहा है, यहां तक तो ठीक है, विद्वान निधिम लब्ध्वा ततः कियंतम गृहणीयात, इसका क्या अर्थ होगा? अपुत्र का स्वर्गवास होने पर उसके दाय को कौन प्राप्त करता है? हाँ, ये शिप्रा ने मुझसे पूछा था ये प्रश्न, ठीक है ना। हाँ, मुझे याद आया। हाँ ठीक है, तो यहां इसका अर्थ क्या आ रहा है, क्या जवाब है? पत्नी, अगर कोई निसंतान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति पे पहला अधिकार उसकी पत्नी का होता है। अगर संतान है तो संतान का और पत्नी का कितना कितना अधिकार होगा? अगर कोई व्यक्ति है वो संतान वाला है और उसकी मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति पे संतान का और पत्नी का कितना कितना अधिकार होगा? समान शब्द आएगा, समान अधिकार होगा, क्योंकि अगर 5 पुत्र है ना और छठी पत्नी है तो
समान समान सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आधा पत्नी को मिलेगा और आधे में सारे पुत्र होंगे, ऐसा निर्णय नहीं आएगा उसका। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। इसलिए तो भी अगर हम समान शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो जवाब ज्यादा सही बनता है, क्योंकि समान जब हमने उत्तर दिया ना, तो हमारी ये अपेक्षा खत्म हो जाती कि पुत्र एक हो या दस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो समान जवाब देंगे तो ये जवाब रहेगा। तो ये यहाँ पे प्रश्न एक पूछा गया हो ना, तो हम उसकी चर्चा अलग अलग ढंग से भी थोड़ा विचार करेंगे न? तो ये 55 प्रश्नों की चर्चा आज हमने की है, यहाँ पे 55 प्रश्न दिए हैं शिप्रा ने, लेकिन इसके साथ हमने और भी बहुत सारी चर्चाएं की हैं और भी बहुत सारी बातें आपको मालूम पड़ी हैं। तो मेरे हिसाब से सभी को शिप्रा का एक अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने ये प्रयास किया, खूब मेहनत की है, और प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि आप लोग भी जो पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ तैयार करें और उसको हम इसी प्रकार से लेंगे। और ये चर्चा जो है आपके अध्ययन को सार्थक बनाएगी, और सिर्फ आपके नहीं, आपके मित्रों के, इस पूरी मंडली के अध्ययन को सार्थक बनाएगी। और मुझे इसमें बहुत आनंद आया जहाँ तक मैं बात करूँ, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, मैं कभी ये प्रश्नों के हिसाब से पढ़ाता नहीं हूँ। और कई बार इस प्रकार की शिकायत YouTube पे बहुत मिलती है कि आप थोड़ी इस प्रकार की भी तैयारी करवाया कीजिए, लेकिन मेरे पास तो इतना अवसर नहीं है, इतना समय नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ। इसलिए आप सबसे कहा भी था।